हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं क्विकली अ पनीर चिली। ठीक है, अभी लॉकडाउन के टाइम पे हम इसे जल्दी से बना सकते हैं। इसके लिए हम तेल पे डालेंगे हरी मिर्च, उसके बाद हम मतलब ऐसे ही रफली चॉप किया हुआ डालेंगे प्याज। इसको एकदम बारीक मत काटिएगा, ये ऐसे ही रफली चॉप रहेगा और थोड़े बड़े बड़े रहेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम अगर हमारे पास कैप्सिकम अवेलेबल है तो उसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट के उसको इसमें डाल देंगे। फिर पूरी उसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम इसको इतने देर तक मिलाएंगे ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। उसके बाद उसमें डालेंगे पनीर के क्यूब्स, फिर उसको अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा बिल्कुल क्विकली बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमें लगेंगे 10 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगेगा। इसको अच्छे से मिक्स करते रहें। देखिए फ्रेंड, हमारा जो पनीर है वो हल्का सा भुन गया। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए ताकि हमारा जो नमक है सब तरफ फैल जाए। उसके बाद हम इसमें टमाटो सॉस डालेंगे। मैंने इसमें ज़्यादा सॉस का यूज़ नहीं किया। आप चाहे तो इसमें सोया सॉस, चिली सॉस ये सब यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने सिंपली इसे टमाटो सॉस के साथ बनाया है। फिर इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए ताकि जो हमारा सॉस है वो भी पूरे तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसको हम प्लेट पर निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। देखिए फ्रेंड, हमारा जो पनीर चिली है ये बिल्कुल रेडी है। आप इसे चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं या चाहे तो आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं।